दिल्ली की सड़कों पर अपराध का नंगा नाच। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को कुचलने की कोशिश। बोनेट पर लटकाकर 100 मीटर तक घसीटता रहा अपराधी। राजधानी दिल्ली में पुलिस वाले भी नहीं सुरक्षित। सबसे पहले देश की राजधानी की सड़कों पर अपराध का ये नंगा नाच देखिए। व्हाइट रंग की कार है, उसके बोनेट पर ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान लटके हैं, लेकिन ड्राइवर गाड़ी रोकने को तैयार नहीं। उसके सिर पर दोनों पुलिस वालों को कुचलने का मानो फितूर सवार हो, किसी के रोके नहीं रुक रहा। राजधानी की सुरक्षा पर सवाल उठाता ये खतरनाक वीडियो है दिल्ली के बेरसराय रेड लाइट क्रॉसिंग का। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक कार के बोनेट पर लटके हुए हैं, जबकि ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चला रहा है। ये घटना शनिवार शाम करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली के बेरसराय इलाके की ये वीडियो राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। वीडियो देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब देश की राजधानी में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का भला क्या होगा। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सफेद रंग की कार है, कार यू टर्न हो रही थी, तभी ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार वाला रुकता नहीं है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी जान बचाने के लिए कार के बोनट पर लटक जाते हैं। इसके बावजूद भी कार सवार नहीं रुकता और पुलिस कर्मियों को लटकाकर करीब 100 मीटर तक घसीटते जाता है और फिर अचानक ब्रेक लगा देता है, जिससे ट्रैफिक पुलिस का एक जवान गिर जाता है। वहीं इसके बाद कार मुड़ती है और दूसरे ट्रैफिक जवान को कार चालक फिर ब्रेक लगाकर गिराता है और कार लेकर रफूचक्कर हो जाता है। हालांकि इस दौरान कुछ लोग कार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार की स्पीड इतनी तेज होती है कि कोई उसके पास नहीं पहुंच पाता। इस घटना में वसंत विहार सर्किल में तैनात ASI प्रमोद सिंह और HC शैलेश चौहान चोटिल हुए हैं, जबकि DL9CBC7528 गाड़ी और इसके चालक की धरपकड़ अभी भी जारी है। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी वाहन जय भगवान नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो दिल्ली के वसंत कुंज में नांगल देवत इलाके में रहता है। लेकिन देखिए, नाम भगवान और काम शैतान जैसा।